Hey guys, welcome back to our channel. This is Meghna and I am Ninad and we are live from Andamans. हम ट्रैवल कर रहे हैं विद केसरी टूर्स एंड इनके आइटिनरी में सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन अंडमान्स आर कवर्ड. दोस्तों इस वीडियो में हम जा रहे हैं एलिफेंट बीच जहां पे सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होते हैं एंड उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे हैवलॉक आइलैंड एंड करेंगे कैंडल लाइट डिनर. हमारे होटल से हैवलॉक जेट्टी 5 मिनट के दूरी पे ही था इसीलिए सब लोग वॉकिंग ही गए थे. हैवलॉक जेट्टी पर पहुँच कर हमको सारी जानकारी दी गई जैसे एलिफेंट बीच को कैसे पहुँचा जाए एंड वहाँ पे कौन से वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कितने कितने रुपीज़ में होती है. आपको सारे राइड्स यहाँ से ही बुक करके जाने होते हैं. कुछ कुछ राइड्स आप एलिफेंट बीच पर भी टॉप अप कर सकते हो एंड अगर आपको राइड्स नहीं करनी है तो कुछ कुछ राइड्स का पूरा रिफंड भी मिल जाता है. यहाँ पर बहुत सारे कपल राइड्स है और ग्रुप राइड्स भी अवेलेबल है. यहाँ पर सारे राइड्स का रेट ऑलमोस्ट सब फिक्स रहता है, कुछ निगोशिएबल नहीं होता है. हैवलॉक जेट्टी से हमें 10-10 के ग्रुप से एक बोट मिलती है एंड वो हमें लेकर जाती है टूवर्ड्स एलिफेंट बीच. अगर आप ग्रुप टूर से जाते हो तो ये सारी चीज़ें टिकट्स एंड आपकी बोट्स भी फटाफट आपको अवेलेबल हो जाती है. अगर आप इंडिविजुअली प्लान कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही माइक्रो मैनेज करनी पड़ेगी. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप दोस्तों कि अगर आप कुछ अपना सामान कैरी कर रहे हो, अपने ज्वेलरी कुछ कैरी कर रहे हो तो प्लीज़ आप हैवलॉक जेट्टी पर या आपके रूम पर ही छोड़ कर आए. ट्राई करें कि आप एक छोटा सा बैकपैक कैरी करें जिसमें आप अपने कपड़े, टॉवल्स या फिर कुछ इम्पोर्टेंट सामान जैसे वॉलेट हो गया आप रख पाओगे. एलिफेंट बीच पर लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है एंड आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए. प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत सारा यहाँ पर कैश रखें ताकि अगर आपको वहाँ जाकर कोई भी एक नई राइड ट्राई करनी हो तो आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप ट्राई करें कि आप हैवलॉक से बहुत सुबह सुबह ही निकल जाए ताकि आपको आगे राइड्स के लिए वेटिंग कम मिलेगी. हमने हैवलॉक जेट्टी से एलिफेंट बीच पहुंचने के लिए स्पीड बोट ली थी जो कि 20 मिनट्स में पहुंचाती है. बहुत से लोग यहां से वॉकिंग भी जाते हैं एलिफेंट बीच और ट्रस्ट मी गाइस, स्पीड बोट में जो एक्सपीरियंस आया है वो उसका मज़ा ही कुछ और है. और आप देख सकते हो बहुत ही मस्त क्लाइमेट है एंड इट्स रियली नाइस डे टू गो आउट एंड डाइव इन फॉर सम न्यू एडवेंचर्स. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट बीच. एलिफेंट बीच पर एंट्री फ्री है. अगर आप यहाँ का लॉकर फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये पर डे पर लॉकर देना पड़ेगा एंड चेंजिंग रूम्स फॉर मेन एंड वुमेन का भी आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा. यहाँ पर आपको बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे और फ्रूट प्लेट यहाँ पर बहुत ही अच्छा है. बहुत सारे राइड्स करने के बाद आप थोड़ा डिहाइड्रेट हो सकते हो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप भी एक फ्रूट प्लेट ज़रूर ट्राई करिए. तो दोस्तों हमारी पहली राइड आज की है सी वॉकिंग. सी वॉकिंग के लिए हमने वापस से एक छोटे से बोट से जाना है जहाँ पे सी वॉकिंग के लिए उन्होंने एक शिप रखा है. ये हमें पड़ा है अराउंड 3500 पर पर्सन. अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो भी चाहिए इसका तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. अन
अंदर जाते ही आपको एक कंसेंट फॉर्म पे साइन देना होगा एंड यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन देते हैं जिसपे आपको हैंड साइंस एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं। इसके बाद आप आपकी फुटवेयर यही छोड़कर इनके दिए गए जूतों को पहनकर आप सी बेड के ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लैडर के सहारे हमको एक डाइवर सी बेड के ओर लेके जाता है। सी वॉक में आप 7 to 10 मीटर्स अंडर द सी जाते हैं। यहाँ पर हमने फाइनली नीमो की फैमिली ढूंढ ली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हेलमेट पहनाया जाता है, ये अराउंड 40 किलोस का होता है बट अंडर द वाटर ये प्रेशराइज्ड एयर देता है, तो आपको हेलमेट पकड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एंड आपको कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है वाया पाइप जो कि ऊपर शिप में कनेक्टेड होता है। इस हेलमेट के वजह से आपके नाक, कान और चेहरे पर पानी की बूंद भी नहीं आएगी और अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप चश्मा पहनकर भी ये कर सकते हो और लेंस के लिए भी ये सेफ है। हमने यहाँ पर बहुत ही रंग बिरंगे और अलग अलग शेप साइज के कोरल्स देखे। नो डाउट अंडमान इज द कोरल कैपिटल। अब हम वापस एलिफेंट बीच आए हैं और बहुत सारी भूख लग रही है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्नैक आइटम्स मिलेंगे। यहाँ पर बाकी राइड्स भी होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो ये है सोफा राइड। इस राइड में आप दो लोग सोफा पे बैठ सकते हो और दो पीछे खड़े रहकर भी जा सकते हैं, विच इज अ स्टैंडिंग राइड। इसके बाद आप देख रहे हो ये है डिस्को राइड। ये थोड़ा सा यूनिक राइड लगा हमें। ये पहले तो आप इस पे बैठते हो और फिर अंदर लेकर जाके ये आपको पूरी गोल 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 360 डिग्री घुमाएगा। ये है स्लीपिंग राइड, जैसे आप इस पे वाटर सर्फिंग करते हो एंड उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है वो है सी प्लेन, जो हमने भी ट्राई करा है। बहुत ही मज़ा आया, एकदम प्लेन जैसे उड़ता है टेक ऑफ के वक्त वैसे ही मज़ा आता है इसमें। फिर आप कर सकते हैं जेट स्की, पैरासेलिंग, ये सारी कॉमन राइड्स सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारी राइड्स आपको 600 रुपीज़ में मिलेगी। उसके बाद आता है स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग। अगर अंडमान आ रहे हो तो प्लीज़ आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग या सी वॉकिंग ज़रूर करिए। दिस इज़ मच रिकमेंडेड। अगर आप यहाँ आके इसका कोरल्स नहीं देखोगे तो क्या देखा। आप देखिए कितना सुंदर पानी है, बहुत ही सुंदर वाटर किंगडम है। आप इसका लाइफ एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। स्नॉर्कलिंग का आपको पड़ेगा 800 रुपीज़ पर पर्सन एंड स्कूबा डाइविंग के लिए आपको लगेगा 3500 रुपीज़ पर पर्सन एंड फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का अलग से चार्ज लेते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी घर बैठे बैठे हमारे साथ इसका मज़ा उठा रहे हैं और मुझे पक्का पता है कि ये वीडियो तो देखने के बाद आपको अंडमान का ट्रिप बुक करने में कोई रोक नहीं सकता। सारे राइड्स ख़त्म करके हम वापस से पहुंच गए हैं हैवलॉक जेटी पर। बहुत सारे एडवेंचरस राइड करने के बाद हम आए हैं अब नारियल पानी पीने और इसमें बहुत ही मीठी मलाई भी आपको मिलेगी। हैवलॉक आइलैंड पे आपको बहुत सारी जगह पे कैंडल लाइट डिनर ऑप्शंस मिलेंगे। सुबह के एडवेंचरस राइड्स के बाद थोड़ा फ्रेश होके और चिल करके हम पहुंच गए हैं कैंडल लाइट डिनर करने एट हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट। यहाँ पर आप अंदर चलते जाते वक्त ही आपको बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छी वाइब भी आएगी। ये एक बीच रिजॉर्ट है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर सेटअप्स करे हैं फॉर कैंडल लाइट डिनर।
आप देख सकते हो यहाँ पे डांस फ्लोर भी सेट है और आप फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो, बीच का मजा उठा सकते हो एंड यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। हम भी हमारा कैंडल लाइट डिनर करते हुए और अच्छी यादें बनाते हुए आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। हमारे अगले वीडियो में हम जाएंगे काला पत्थर बीच और फिर पकड़ेंगे क्रूज टू नील आइलैंड, जहाँ पे हम देखेंगे सनसेट एट लक्ष्मणपुर बीच। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। होप यू गाइस लव्ड द वीडियो।